हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ चतुर्श्रृंगी टेम्पल। ये पुणे में सेनापति बापत रोड में है और पुणे यूनिवर्सिटी यहाँ से बहुत नज़दीक है। तो चलो मैं आपको पूरा यहाँ का डिटेल दिखाता हूँ। अभी टेम्पल के ऊपर जाने के लिए पूरे 100 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। तो लास्ट टाइम पर्वती हिल में भी 103 सीढ़ी थे, लेकिन वहाँ के सीढ़ी थोड़े लंबे लंबे थे, यहाँ पर थोड़ा छोटा है। तो वीडियो को आगे देखते रहो, मैं पूरा यहाँ का डिटेल दिखाता हूँ आपको। वीडियो आगे देखने से पहले अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस मेरे चैनल में आपको मिलेंगे। ऊपर आने के बाद आपको दो टेंपल देखने के लिए मिलता है, एक गणपति टेंपल है और एक दुर्गा माता का टेंपल है। और ये टेंपल देखने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ का चतुर्श्रृंगी नाम एक्चुअली क्यों दिया गया है कि चार चोटियों वाले पहाड़ के ऊपर ये बनाया हुआ है, इसके लिए इसका नाम चतुर्श्रृंगी टेंपल रखा गया है। ये टेंपल मॉर्निंग 9 AM से इवनिंग 5 PM तक चालू रहता है, तो आप उसके अंदर कभी भी विजिट कर सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है बैठने के लिए और अच्छी अच्छी जगह है, गार्डन वगैरह भी बहुत अच्छा बनाया गया है ऊपर। सच में यार ये एरिया बहुत बड़ा है, मेन गेट से आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है बैठने के लिए। अभी मैं गणपति बप्पा का दर्शन कर लिया हूँ और अभी ऊपर जा रहा हूँ देवी माता के दर्शन के लिए।
यहाँ का एक ख़ास बात यह है कि साल में एक बार नवरात्रि के टाइम यहाँ पे फेस्टिवल होता है और सभी थाउजेंड ऑफ पीपल यहाँ पे गैदरिंग होते हैं, और ये फेस्टिवल पूरा 15 दिन तक रहता है और बहुत बड़ा मेला लगता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा रहेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो मेरे चैनल में मिलेंगे। और कमेंट करके बताओ कि आपको ये जगह के बारे में क्या अच्छा लगा, या फिर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताओ मुझे। आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई आना चाहते हैं तो ये वीडियो को उनको शेयर करो। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you.